भी आई, पता लगा कि घूम के घर चला गया। तो मैंने उनको बोला, हम इसीलिए आपसे बोला था कि लाइन में लग जाओ, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ थोड़ा शांति से। एक बहुत जीवन का उदाहरण दूंगा, मेरी सिस्टर है, ये सिस्टर सिस्टर है, पांच भाई एक है। हमारे सिस्टर के लिए हार्निया हो गया, तो वो जब भी आती थी, मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी है, तो जब भी आती थी तो मुझसे कहती थी सबका साथ चमत्कार कर रहे हो तुम और मेरे साथ चमत्कार नहीं हो रहा, मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो हम कहते थे ठीक हो जाओ, हम हर बार ये बोलते थे ठीक हो जाओ, कोई बात नहीं। और वो जब अल्ट्रासाउंड कराती थी उसमें हंसने आता। एक दिन क्या हुआ कि वो लाइन में लग के आ गई, जल की बोतल ली उन्होंने और उन्हें दो ढाई घंटे लगे, वो लाइन में लग के आ गई। और लाइन में लग के मैंने देखा, तो मैं समझ गया अम्मी आदमी पे देखो होने वाली, इसलिए लाइन में लगी। और आते आते उन्होंने बोतल आगे बढ़ाई और बोली, महंत जी मेरे हमिया आए और मैं बहुत परेशान हूँ, आप इसको ठीक करें, आप हार्ट टच कर दीजिए। तो मैं भी समझ गया मेरे भाव में आगे, तो मैंने भी हार्ट टच कर दिया। ऐसे करके हमने बहुत जल्द बोला, लेट हम पिला दिया उनको, हम जो अच्छा हो गया। तीसरे दिन तो बरेली गई और बरेली जाकर उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, हर्निया गायब। तो ये है जीवन उदाहरण एकदम। और यहाँ लोकल का मामला है, गांव का मामला है, कुछ चीज़ें यूट्यूबर से घर पे भी गए होंगे, इंटरव्यू भी लिया जाके क्या हकीकत है या मतलब ऐसी आपने बात बनाई है। तो हकीकत उन्होंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टें दिखाई, बोली अल्ट्रासाउंड देखो और ये तो कृपा यहाँ पर इस तरीके की है कि साइंस फेल है। अब वो डॉक्टर सोच रहे हैं कि ऐसा हो कैसे सकता है, जब एक अल्ट्रासाउंड में हर्निया आ रहा है दूसरे में कैसे नहीं आ सकता है। तो ईश्वर की कृपा है, मनोरथ धाम की कृपा, बाबा की कृपा।